एक कहावत है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। कुछ इसी तरह के उदाहरण कई बार सड़क हादसों में देखे गए हैं। अक्सर लोग ट्रैफिक सिग्नल को नज़रअंदाज करते हैं या हेलमेट नहीं पहनते, जिसके कारण किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, दो पहिया वाहन चालक कई बार सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने के कारण सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सड़क दुर्घटना के कारण मौत या अपंग होने के आंकड़े बहुत ही डरावने और गंभीरतापूर्ण हैं। सड़क हादसों में होने वाले अपघात में सुरक्षा और मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए ट्रैफिक के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक देवीदास हंडोरे ने आज 7-11 स्कूल में बच्चों को सड़क दुर्घटना और जीवन रक्षक पर जानकारी दी। सेफ्टी रखना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए और कोई भी सड़क दुर्घटना हो तो उसका पहले इंफॉर्मेशन पुलिस को देना चाहिए और जख्मी जो है, घायल हुए लोग है, उनको पहले हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। उसमें आपको जो घायल व्यक्ति है उसका हेल्प करने में आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आएगा। ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान में पूरी तरह साथ दे रहे हैं देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन। आपको बता दें, ये संस्था कई सालों से सड़क हादसों में घायलों की मदद करते आ रही है। इस संस्था के अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत ने हमसे बात करते हुए अपना अनुभव साझा किया। 2019 में गवर्नमेंट से एक गुड सैमरिटन लॉ कानून आया हुआ है, जिसके मुताबिक आप अगर कोई भी एक्सीडेंट आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको हॉस्पिटल वाले आपका नाम नहीं पूछ सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाता है और हॉस्पिटल को उसको एडमिट करना ही करना रहता है और पुलिस आपको इंक्वायरी नहीं कर सकती, मतलब आपको पुलिस चौकियों तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे मतलब नियम कायदे हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आम नागरिकों को 90% ये लॉ के बारे में पता ही नहीं है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम था तो हम लोगों ने भी ये इसीलिए रखा था कि लोगों को गुड सैमरिटन के बारे में बता पाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब लोगों की हेल्प कर सकें। मिली जानकारी के अनुसार मीरा भाईंदर वसई विरार पालघर हाईवे पर बीते साल सैकड़ों लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, वहीं हजारों लोग घायल अवस्था में शहर के कई अस्पताल में भर्ती कराए गए। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों को सड़क दुर्घटना से कैसे खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा करना है, इस पर अपनी राय दी। कि सरकार जो है हर वर्ष ही इसका आयोजन करती है सड़क सुरक्षा सप्ताह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट को टाला जा सके। और इसका साथ दे रही है देवभूमि जीवन रक्षक संस्था जो है, ये हर साल भर अलग अलग कैंप लेती है ताकि इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़े, गाइडेंस बढ़े, लोग इससे जानकारी हासिल करें और एक्सीडेंट को टाला जा सके। आज इसी विषय पर देवभूमि जीवन फाउंडेशन और पुलिस प्रशासन ट्रैफिक डिपार्टमेंट मीरा भाईंदर, इन दोनों की हमारे स्कूल के अंदर 7 स्क्वायर के अंदर जो बच्चे हैं इन्हें गाइडेंस का सेशन रखा गया था और बहुत अच्छा सेशन हुआ। इसमें बहुत कुछ बच्चों को सीखने मिला। हम सभी को रेड और ग्रीन लाइट पता होती है, इसके आगे कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन आज इस सेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने मिला। एक्सीडेंट केवल कार वालों से नहीं होता है, चलने वालों के कारण भी होता है और दोनों चीज़ें होती है, कभी कभी गलती इसकी तो कभी उसकी। इसलिए चलते समय भी सारे ट्रैफिक के रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। जनरली हम ज़्यादातर उन पर ही फोकस करते हैं जो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। बहुत बार उनकी गलतियाँ नहीं भी होती, पब्लिक की होती है, बहुत बार गाड़ी वाले की गलती होती है, लेकिन दोनों को ही अवेयरनेस अगर फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि ये एक्सीडेंट टाले जा सकते हैं। और दुर्भाग्यवश अगर कुछ होता है तो उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया कि किस तरह से संस्था इमीडिएट वहाँ पहुँचती है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना, उसके रिश्तेदारों को जानकारी देना, ये करने का, तो बच्चों को वो भी गाइडेंस दिया है कि अगर कोई ऐसी घटना घट जाए दुर्भाग्यवश तो उसको सहायता के रूप में वो उपस्थित रहे, ये हेल्पलाइन नंबर है उनको फ़ोन करें। मैं रावत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ देवभूमि फाउंडेशन के लिए। आज 7 से 8 दिन से बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। और इनका एक वाक्य भी मेरे को याद आ रहा है कि रेलवे ट्रैक पे एक लेडीज को उठा के हॉस्पिटल डाला था बेचारा, लेकिन उनमें इसको काफ़ी परेशानी भी हुआ। और मैं आप से अनुरोध है न्यूज़ चैनल से, जिस हॉस्पिटल को परमिशन देते हैं यहाँ के न्यायपालिका या पुलिस प्रशासन, उस हॉस्पिटल को क्लियर कट बताया जाए। एक्सीडेंट पेशेंट जो भी आता है उनको एक्टिव किया जाए और इलाज किया जाए, ताकि पैसे के लिए इंतजार ना करे और सामने वाला जो लेके आया उनको हेरेसमेंट ना करे। और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है इस विषय को, हॉस्पिटल को जब भी परमिशन देता है ये संज्ञान देना ही चाहिए, ताकि देवभूमि फाउंडेशन जो एक कार्यक्रम कर रहा है, इनका भी उद्देश्य है
किसी का सेवा करना, तो सेवा करना ही एक देश के हर नागरिक का एक धर्म है। जैसे मोदी जी का एक गारंटी हर आदमी को फ्री में अस्पताल में इलाज होना चाहिए, ऐसे देवभूमि उनके एक प्रयास बने हैं। और मैं लाइसेंस जितने भी हॉस्पिटल को मिलता है प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि ये प्रमाण पत्र उनको पढ़ाया ही जाए। मैं निर्मित सिंह भूई हूँ 9th F से, और मैंने अभी सीखा है कि हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, हमें ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, जितना स्पीड लिमिट है ना उससे उतना ही चलानी चाहिए। मिला सिंह एंड टुडे दिस सेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अवेयर ऑल द यूथ ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी शुड टेक द इनिशिएटिव टू टेक हेल्प टू हेल्प अदर्स जस्ट बिकॉज इट इज नॉट गोना मेक अस एनी प्रॉब्लम अबाउट एनीथिंग एंड द पुलिस वोंट इंटरप्ट इट एंड वी शुड ट्राई टू हेल्प हाउ मच वी कैन। थैंक यू। आज का जो सेशन था हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था, इससे हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में पता चला, एंड हमें मतलब इस तरीके से फॉलो करने चाहिए सो दैट हम कोई भी एक्सीडेंट को मतलब इग्नोर कर सके, एंड हमें बाकी लोगों की कैसे हेल्प करनी चाहिए उन बारे में पता चला, और नंबर हमें पता चला कि हमें एमरजेंसी में किन नंबर पर कॉल करना चाहिए। ये सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत हेल्पफुल। Today we learned about a very vital law, which is the Good Samaritan law. According to that, you cannot ask about the information about the person who helped the victim in an accident. So I found this session very helpful. Thank you.